एसएस मार्ग प्रमुख व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सह संयोजक से खास इंटरव्यू। आज प्राइम मिट्टी न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश के सब एडिटर सुनील साहू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्ग प्रमुख प्रमोद चंद्र केसरवानी व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान काशी प्रांत की सह संयोजिका विनीता गुप्ता से 5 अगस्त को अयोध्या में होने जा रहे राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का विशेष बातचीत की। ये राम जन्मभूमि अभियान के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, आए देखें खास भेंट वार्ता सुनील साहू के साथ। प्राइमरी न्यूज चैनल पर आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कौशाम्बी के मार्ग प्रमुख प्रमोद चंद केसरवानी जी से। अयोध्या में जो राम जन्मभूमि पूजन होने जा रहा है उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो भाई साहब ये बताएं, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पूजन होने जा रहा है 5 अगस्त को, उस पर आपको क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं उस पर? मैं समस्त देश को बताना चाहता हूं, सभी को, कि राम जन्मभूमि पर जो भूमि पूजन होने जा रहा है माननीय मोदी जी द्वारा एवं संतों द्वारा सरसंचालक मोहन भागवत जी द्वारा, ये इस देश में राम भक्तों राष्ट्रभक्तों की जो है एकाद की विजय जो है राम विरोधी और राष्ट्र विरोधियों पर है और उसी के नाते इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। जी जैसा कि मुझे ज्ञान है कि राम जन्मभूमि अभियान से आपका बहुत पहले से जुड़ाव रहा है, इस अभियान में आप क्या भूमिका रही है? मेरा राम जन्मभूमि अभियान से 1984 से जुड़ाव रहा और राम जन्मभूमि के लगभग प्रत्येक ज्ञात अज्ञात ज्ञात अभियानों में मेरा जो है भूमिका रही है और मैं जिस भी रूप में छोटे से लेकर कार्यकर्ता के रूप में और अयोध्या जाने का जब भी आह्वान हुआ 1990 में कार सेवा का 1992 में ढांचा ढहाने के समय उस समय मैं अयोध्या में था। इसके साथ साथ अभियान के जितने भी स्वरूप बने कार सेवा के समय मैं जेल में भी रहा और 90 की और 2013 में जब संकल्प सभा हुई थी तो भी मैं अपने 400 कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या में रहा और संकल्प सभा में शामिल हुआ। कार सेवा हुई थी राम जन्मभूमि, क्या उसका अनुभव आपका कैसा रहा? अनुभव बहुत ही अच्छा, अनुभव बहुत अच्छा तो नहीं था क्योंकि कार सेवा के समय हम लोगों को रास्ते में गिरफ्तार करके जो जेल भेज दिया गया था फतेहपुर जेल में मैं रहा और उसके बाद 1992 की कार सेवा जब हुई तो वहाँ हम लोगों को जो है जाने का अवसर मिला और वहाँ जा कर के हम लोगों ने उस पर जो भी हमारी भूमिका बनी हम लोगों ने राम जन्मभूमि अभियान की दृष्टि से वहाँ रह करके वहाँ के लोगों को प्रेरित किया, उनकी व्यवस्था देखी और उनके बाद वहाँ जो सम्मिलित हुए थे कार सेवा। राम जन्मभूमि पूजन के जो बाद है देश का भविष्य क्या होगा? राम जन्मभूमि के पूजन के बाद देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल एवं अच्छा होगा क्योंकि देश में एक जो है जो राम मंदिर के इसको जो दो रूप में लेने की आवश्यकता है, ये राम भक्तों एवं राष्ट्रभक्तों की विजय एवं राम विरोधियों राष्ट्र विरोधियों की पराजय के रूप में भी है और इससे कारण से जो देश में एक नई ऊर्जा और नई देश की संचार में संचार होगा जिसके कारण से राम भक्त और राष्ट्रभक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। पूजन के बाद दीपावली मनाने का कुछ बात चल रही है? हाँ, पूजन के बाद जो है अपने समाज ने स्वतः स्फूर्त से घोषणा की है, समाज में स्वयं एक अभियान चल रहा है कि जिस समय भूमि पूजन हो उस समय घर में पूजन किया जाए और सायंकाल सब लोग जो है अपने घरों में दीपावली मनाएं। ये वास्तव में हम लोगों की श्रद्धांजलि उन कार सेवकों उन बलिदानियों के प्रति होगी जिन्होंने लाख लाख लाखों की संख्या में जिन्होंने करोड़ों की संख्या में इस देश में राम जन्मभूमि अभियान में भाग लिया है उनके प्रति अपने श्रद्धा और विश्वास का जो है प्रतीक होगा। यहाँ हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्ग प्रमुख कौशाम्बी प्रमोद चंद केसरवानी से बात की, उन्होंने राम जन्मभूमि जो अभियान है उनकी पूजन होने वाला है 5 अगस्त उसके बारे में उन्होंने अपना विचार रखा। यह हमारे दूसरे गेस्ट हैं काशी प्रांत की संयोजिका विनीता गुप्ता जिससे भी हम राम जन्मभूमि से जुड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर। ये बताएं कि अभी 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजन होने जा रहा है,
इसमें शुरू से अंत तक महिलाओं का क्या योगदान रहा है, क्योंकि आप महिला संगठन से जुड़े हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़े हैं, तो इसमें महिलाओं का क्या योगदान? मैं विनीता गुप्ता, काशी प्रांत सह संयोजिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उत्तर प्रदेश। 5 अगस्त जो अब भूमि पूजन का अवसर आया है, ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का है कि ये हम सभी के जीवन काल में, सब लोग सोचते थे कि मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, से सभी बहुत खुश और उमंग से प्रफुल्लित हैं और सारी बहनें इसमें मुख्य में इसमें सहयोग कर रही हैं और निरंतर सहयोग करती आई हैं। मुख्य रूप से उमा भारती जी, निरंजन ज्योति जी, रितंभरा जी और प्रज्ञा ठाकुर जी, ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया और मैंने भी अपनी सभी बहनों के साथ जब तक इसमें कोई भी कार्य हुआ उसमें सहयोग किया है और सहयोग करते भी रहेंगे। और मैं इसी साथ एक बार आह्वान करती हूँ कि हमारे सारे भाई बहन बेटियाँ, जिस दिन 5 अगस्त को पूजन होगा उस दिन हम लोग पूजन के समय अपने घर पे पूजन करें और सायकाल उत्सव के रूप में और जो हमारे ने बलिदान दिया है लोगों को उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग दीपक जलाएं और उनके कार्य को विफल न जाने दें। उन्होंने इतना कार्य किया उसके लिए हम सभी को दीपक जला के इसको उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए और अपने राम मंदिर के लिए राम जन्मभूमि पूजन के दिन हम लोग भी दीपक जलाकर इसको उमंग से त्योहार जैसा मनाएं। राम जन्मभूमि पूजन 5 अगस्त को बताते हैं, किस रूप में देखते हैं, इसका मायने क्या है, क्या कहना चाहती है, मतलब इसमें क्या मायने रखता है ये 5 अगस्त को जो भूमि पूजन हो रहा है? ये 5 अगस्त जो भूमि पूजन हो रहा है इसमें ये है कि हम सभी लोगों को, जो अभी तक लोग सोचते थे कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, सारे जो हिंदू लोगों का आस्था थी और पूरे देश में सभी लोग सोच रहे थे कि ये मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, इतना विवादित है, लेकिन ये बन रहा है, ये सभी का बड़े हर्ष और उल्लास का है और एक प्रतीक है कि हाँ अब ये मंदिर बनेगा और मंदिर बन के ढांचा तैयार हो जाएगा और सभी लोग उसमें, करोड़ों श्रद्धालु उसमें पूजन करेंगे और भगवान श्री राम का रामराज जैसा वो भी अपने मन में विश्वास करेंगे और अपना ऐसा करना सोचेंगे कि सब जगह अमन चैन रहे और रामराज स्थापित हो। धन्यवाद विनीता जी। जैसा कि आप हमारे गेस्ट विनीता गुप्ता जी से आपने अभी सुना राम जन्मभूमि के बारे में कि क्या 5 अगस्त को होने वाला है, कैसे लोग करेंगे, दीपावली कैसे मनाएंगे, इसी के बारे में आप देख रहे हैं प्राइम टीवी न्यूज सुनील साहू के साथ।